आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वतन वापसी की मांग को लेकर विश्व मानवाधिकार परिषद के पदाधिकारी जिला मुख्यालय पर पहुंचे। पदाधिकारियों ने महामहिम के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंप रूस यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रीय स्तर पर रोकने की अपील की है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को आगरा जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश सर्वदलीय मुस्लिम एक्शन कमेटी और विश्व मानव अधिकार परिषद द्वारा ये जो यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है वहाँ फंसे हमारे भारतीय और विशेष रूप से भारतीय छात्र जो फंसे हुए हैं, अब तक हमारी सरकार पूर्ण रूप से उनको नहीं निकाल पाई है और उनको वहाँ रहने की दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है, दवाई की भी दिक्कत है। इसी बाबत हाजी बिलाल साहब और चौधरी अली साबरी साहब, ये जो अलग अलग संस्थाएं चलाते हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है। क्या मांगे रखी हैं आप? इसमें यही बस मांगे रखी है उनको, जो छात्र वहाँ फंसे हैं पूर्ण रूप से वो सुरक्षित हमारे देश वापस आ जाए, इस चीज़ की हमें चिंता है, इस चीज़ की हमें फिक्र है। और इसके लिए अगर ये संस्थाएँ कुछ हेल्प कर सकती हैं उसके लिए भी ये संस्थाएँ तैयार हैं किसी भी रूप से। ज्ञापन दिया है, आज भारत जो एक अपने आप में एक शक्ति है, पावरफुल, विश्व स्तर पे जो इसके लिए कोशिश करना चाहिए, यूएनए में बात उठाना चाहिए, जो हमारे भारतीय छात्र फंसे हुए हैं जिनको निकालने के लिए पूरे प्रयास होने चाहिए, जिन जिन की माँ के लाल माँ फंसे हुए हैं, जिनके दिल से पूछो वो किस तरीके से लोग परेशान हैं। आज कोई किसी तरीके से परेशान है, कोई किसी को दवाई मुहैया नहीं है, किसी को खाना मुहैया नहीं है, जिनके हर संभव मदद की जाए, इनको जो भारत द्वारा राष्ट्रपति द्वारा क्या नाम है विश्व के अंदर क्या नाम है अपने प्रयासों से जो भी अपनी ताकत है विश्व के द्वारा कोशिश करके इनको जो निकालने की कोशिश की जाए, ताकि के एक भारत के जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं वो अपने घर वापसी आएँ, इसके बाद उनके माँ बाप को सुकून मिले, इसी को लेकर हमारा ये प्रयास था। डी एम महोदय को हमने ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति महोदय के नाम अपनी बात को लेकर ख़त्म कर दिया।